हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में आप लोगों को कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन बताऊंगा। डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर के क्लासेस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन अच्छा से आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे आप लोग अच्छा से पेपर में लिख सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन इज ए टाइप्स ऑफ टाइटेशन। टाइप्स होता है टाइटेशन का, विच इज द बेस एंड द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइटेन। तो आप लोग बिटवीन द एनालाइट एंड टाइटेन दो टाइप्स में होता है, मतलब आप लोग जान गए टाइटेन और एनालाइट में जांच किया जाता है। जैसे मान लीजिए एसिड और बेस मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए उसको नाम रखा गया कि दो पदार्थ मिलके जो बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलके बनाते हैं, उसी को कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इजी में आप लोग समझ सकते हैं। इट इज द आल्सो नॉन एज द चेलोमेट्रिक टाइटेशन भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में लिख देता है कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन या चेलोमेट्री टाइटेशन, सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन आर ए मैनली यूज फॉर द डिटरमिनेशन के लिए यूज होता है ऑफ मेटल आयंस इन द सोल्यूशन। देखिए, मेटल आयंस जो होता है इन द सोल्यूशन, उसके लिए होता है। एंड पॉइंट लाने के लिए भी होता है मेटल आयंस। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन द कलर। जो हम लोग एंड पॉइंट लाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, उसी के वजह से हम लोग जान जाते हैं एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू द कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन एडीटीए कहते हैं। तो आप लोग ज्यादा टाइट्रेंट होते हैं उसमें एडीटीए का मात्रा ज्यादा काम होता है, इसीलिए एडीटीए लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एडीटी का प्रयोग होता है जास्ती। एसिडी होता है। देखिए, एडीटीए का मतलब होता है एथालिन डायमिन टेट्रा एसिडिक एसिड। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके मतलब यह होता है। ठीक है, इज मैनली यूज एज द टाइटेंट इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडीटीए टाइटेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जान गए कि कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन क्या होता है। अभी नहीं जाने इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूं। देखिए, इन कम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशन वी कैन सिंपली एसे, आप लोगों को कुछ लिखा हूं इसमें आप लोग समझ आ जाएगा। देखिए, एनालाइट में होता है मेटल आयंस। देखिए, एनालाइट में होता है मेटल आयंस और टाइट्रेंट मतलब होता है लिगार्ड कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिजेंट मैनली एडीटीए। तो लिगार्ड में एडीटीए का ज्यादा महत्व रखा जाता है, जैसा मैं आप लोग बताया कि टाइट्रेंट में एडीटीए का मात्रा ज्यादा का मतलब काम किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु ले रहे हैं जिसका प्रयोग ज्यादा आ रहा है, उसी को मतलब सब लोग जानते हैं, हाँ एडीटीए का ज्यादा मात्रा आता है, इसीलिए एडीटीए का मात्रा इसमें खास काम करता है। देखिए, इंडिकेटर के काम क्या करता है, मेटल आयंस इंडिकेटर। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं, तो जो हम लोग एडीटीए लेते हैं टाइटेंट में, तो उसको ब्यूरेट में भर लेते हैं, ब्यूरेट में भर के इंडिकेटर मेटल आयंस, जो इंडिकेटर होता है मेटल आयंस, उसको मैं प्रयोग करते हैं तो कलर चेंज करने के लिए। देखिए, एनालाइट मेटल आयंस मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट कोई भी ले सकते हैं। नीचे इसमें एडीटीए का मात्रा लीजिएगा और कलर चेंज करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, मतलब और भी ले सकते हैं, कोई भी आपको इसमें प्रैक्टिकल में आता है उसको लीजिए। और उसके बाद इसमें इंडिकेटर में इसी में डाला जाता है क्विंटल फ्लक्स में, जिसका इंडिकेटर मेटल आयन की वजह से कलर चेंज हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट आ गया तो एडीटीए का मात्रा जो होता है आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना एडीटीए, चाहे आप लोग कंस्टेंट पता करना हो तो कंस्टेंट पता हो जाता है,
आप लोग टाइटेशन एंड पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आता है। आप लोग बस थ्योरी ये बताया हूँ EDTA क्या होता है। EDTA क्या होता है, EDTA टाइटेशन का एक पदार्थ है जो विरोध में हम लोग वर्ड लेते हैं, इंडिकेटर कलर चेंज करने के लिए काम आता है, और केमिकल फ्लक्स में लाइट मेटल आयंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसमें चैप्टर ज्यादा है, इसको कंप्लीट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।